बीजेपी के लिए बहुत लकी साबित हुआ पांचवा फेज। पांचवें चरण के चुनावी आंकड़े दे रहे हैं इस बात की गवाही। पिछले साल के चुनावों में भी इस फेज में बीजेपी ने बनाई थी बढ़त। लोकसभा चुनाव का पांचवा फेज बीजेपी के लिए काफी मजबूत। देश भर में लोकतंत्र के महापर्व के लिए मतदान जारी है। पांचवें चरण में 8 राज्यों की 39 सीटों पर वोटिंग हो गई है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक 2019 में हुए पांचवें फेज में भारतीय जनता पार्टी ने करीब 40 सीटों पर चुनाव लड़ा था। पार्टी करीब 32 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। वहीं अब अगर बात की जाए 2014 के लोकसभा चुनाव की, तो पार्टी ने यहां पर करीब इतनी ही सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे और 27 सीटों से ही संतोष करना पड़ा था। साल 2009 के चुनाव में पार्टी केवल महज 6 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक पार्टी ने पांचवें फेज में अपनी कामयाबी के दायरे का विस्तार ही किया है। इसी वजह से इसे बीजेपी के सेफ जोन के तौर पर देखा जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के डेटा के मुताबिक जिस तरह से बीजेपी ने पांचवें चरण की सीटों पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखी, ठीक उसी तरह से कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे अपना जनाधार कमजोर करती गई है। साल 2009 में कांग्रेस पार्टी 39 सीटों में से केवल 14 सीट जीतने में कामयाब हो सकी थी। वही 2014 के लोकसभा इलेक्शन में पार्टी का ग्राफ बहुत तेजी के साथ नीचे गिरा है। वह केवल 2 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। 2019 में तो पार्टी की हालत काफी खराब रही। कांग्रेस के खाते में केवल 1 ही सीट आ पाई। चुनाव आयोग के आंकड़ों पर गौर करें तो उत्तर प्रदेश में पांचवें चरण की जिन सीटों पर वोटिंग हो रही है उनमें से करीब 13 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई थी। वहीं बिहार की 5 सीटों पर मतदान हो रहा है। इनमें से सभी सीटों पर एनडीए ने कब्जा कर लिया था। झारखंड की 3 लोकसभा सीटों पर साल 2014 में सभी सीटें बीजेपी ने जीती। महाराष्ट्र में 13 सीटों पर वोटिंग जारी है। इन सीटों पर भी पिछले चुनाव में एनडीए ने ही कब्जा किया था। अब बात बंगाल राज्य की करें तो वहां पर 7 सीटों पर मतदान हुआ। पिछले चुनाव में टीएमसी के खाते में 3 सीटें गई थी और बीजेपी 4 सीटों पर बाजी मारने में कामयाब रही। इसी तरह पश्चिम बंगाल की जिन 7 सीटों पर मतदान हुआ उनमें से 4 सीटें तृणमूल कांग्रेस के हिस्से में आई, जबकि 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी। राजनीतिक जानकार त्रिपाठी कहते हैं कि ऐसे ही कारणों से भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार पांचवें चरण को अपने लिए मजबूत सुरक्षा कवच मानते हैं। राजनीति के जानकारों का कहना है कि पांचवें फेज की वोटिंग हो रही है। बीते 2 चुनाव में ये फेज बीजेपी के लिए काफी मजबूत रहा। हालांकि हर एक चुनाव में स्थिति एक जैसी नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी इस बार अपने 10 साल के रिकॉर्ड का लेखा जोखा लेकर वोट मांगने के लिए जा रही है। अगर जनता उनके कामकाज को खरा पाती है तो बीजेपी फिर से पिछली बार के आंकड़ों को दोहरा पाएगी। वहीं विपक्षी दल भी मजबूती के साथ सियासी मैदान में टिके हुए हैं। अगर विपक्षी दलों के मुद्दे और दावों के आधार पर वोटिंग होती है तो विपक्षी दल भी अच्छी खासी बढ़त बना सकते हैं।